जय हिंद। आज हम लोग प्लास्टिक मनी के बारे में समझते हैं जिसमें एटीएम आता है। एटीएम को बेसिकली क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में डिवाइड करते हैं, इनमें क्या अंतर होता है, और एटीएम पर देखते होंगे वीजा, मास्टर कार्ड या रुपए लिखा होता है, इनमें से कौन सा बेटर होता है, और भारत सरकार ने और आरबीआई ने किस नियम के तहत मास्टर कार्ड को नए कार्ड इशू करने पर बैन लगा दिया है। देखिए, एटीएम जो होता है इसका पूरा नाम होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इसकी खोज 1967 में इंग्लैंड में की गई थी, लेकिन खोजकर्ता का नाम था जॉन सेफर्ड बॉरन। इनका जन्म 1925 में भारत के मेघालय राज्य के शिलोंग में इनका जन्म हुआ था। तो इनके खोजकर्ता अगर इनका देखेंगे तो ये भारतीय थे। आज एटीएम का बहुत ज्यादा यूज हो गया। अब इस एटीएम कार्ड में दो टाइप के बेसिकली कार्ड देखने को मिलता है, डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड क्या होता है? देखिए, ये हमारे पैसा खुद के बैंक में जमा पैसे को निकालने का एक रास्ता होता है। कार्ड और किसी भी टाइप के एटीएम में तो पैसा नहीं होता, हमारे अकाउंट में रहता है, अकाउंट में खत्म, एटीएम किसी काम का नहीं रहता। पहले जमाने में क्या था कि पैसा निकालने के लिए आपको बैंक में जाना पड़ता था, वहाँ विड्रॉल फॉर्म कर बना भर के दीजिए तो बैंक देगा, या फिर आप चेक साइन करके दीजिए किसी भी बैंक में तो आपको पैसा दे देता था। इस सिस्टम की एक अच्छाई थी कि यह सिक्योर रहता था, हैक वगैरह नहीं होता था, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खराबी थी ये तभी काम करेगा जब बैंक खुला रहता था, और इसमें प्रोसीड करने में काफ़ी लंबा टाइम लगता था, चेक से तो काफ़ी लंबा टाइम हो जाता था, और संडे के दिन ऑफिशियली बैंक बंद रहते हैं, छुट्टियों के दिन, त्यौहार के दिन, रात के टाइम पे, तो आप इसे 24 घंटे नहीं बैंक पैसा निकाल सकते थे। तो इसी के लिए एटीएम काम आया। एटीएम के लिए क्या है कि आपको बैंक में नहीं जाना पड़ेगा। अब एक बैंक को सेटअप करने में काफ़ी खर्च आते हैं, उसकी बिल्डिंग्स, उसका पावर बैकअप, उसके स्टाफ मैनेजमेंट, काफ़ी खर्च आता है, जबकि एटीएम बैठाने में कुछ नहीं जाता है। एक ब्रांच जितने में बैठ जाता है उतने में 50 एटीएम लग जाएगा, और पैसा सेम निकलेगा जितना बैंक देगा वहां पे। तो इससे एक काफी अच्छा सिस्टम काम करने लगा यहाँ पर। इसे इस बैंक जो हमें एटीएम कार्ड देती है उस पे डेबिट कार्ड लिखती है। तो डेबिट कार्ड हमारे पैसे निकालने का एक बहुत सुपर फास्ट माध्यम हो गया। ये दिन रात पैसे निकाल सकते हैं, इससे 24 घंटा और सातों दिन निकाल सकते हैं, 365 दिन आप इससे पैसे निकाल सकते हैं। तो ये काफी अच्छा फायदा हो गया। इसमें भी हम उतना ही पैसे निकाल सकते हैं जितने अपने अकाउंट में, अब आपके अकाउंट में 2 लाख रुपए, आप सोचेंगे 2.5 लाख निकालने, नहीं निकालेगा, क्योंकि भैया ये केवल आपके अकाउंट के पैसे निकालने का रास्ता है। इसलिए आप देखेंगे जब भी आप एक बैंक में खुलवाते होंगे खाता, आपको एटीएम कार्ड दिखता है और उस पे डेबिट ही देता है, वो क्रेडिट कार्ड आपको नहीं देता है। क्रेडिट कार्ड लेने के लिए कुछ आपको टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, उसको फुलफिल करेंगे तभी मिलता है। डेबिट कार्ड ज्यादा सिक्योर माना जाता है क्रेडिट कार्ड की तुलना में, क्योंकि डेबिट कार्ड पे आप देखेंगे कई सिक्योरिटी होती है। 16 अक्षर का तो पहले इसका आपका एटीएम कार्ड नंबर होता है, फिर उस पे एक्सपायरी डेट ये पता होना चाहिए, पीछे जो होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू यानी सीवीवी नंबर, एक स्टिकर साट के उस पे 3 अक्षर लिखा रहता है। ये सिक्योरिटी लेवल जो होते हैं उतने मजबूत नहीं होते, क्योंकि अगर आपका एटीएम कार्ड सड़क पे गिर गया तो जो माय मिलेगा उसको ये तीनों सिक्योरिटी तो पता ही चल गया, एटीएम नंबर, एक्सपायरी डेट, सीवीवी नंबर। लेकिन जब वो पैसा निकालने जाएगा तो उसको पिन की जरूरत होगी, जो आपको मेमोराइज करके रखना पड़ता है, याद करके, तो आप ही को पता है। तो पिन जब तक नहीं डालेंगे पैसा नहीं निकलेगा। लोग पैसा निकालने के बाद ना इंडिया में क्या करते हैं लोग ना, वो कैंसिल बटन वहाँ पैसा निकाल लेंगे, देखेंगे कोई नहीं देख रहा ना, खट 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 कैंसिल बटन वहाँ डालेंगे 20 बार संतुष्टि के लिए, आप कोई नहीं निकाल सकता। भाई वो एटीएम मशीन केवल एक ही बार काम करती है, एक पासवर्ड डाले तो आप ही का एटीएम क्यों ना हो, वो दोबारा आप फिर पैसे निकालेंगे तो पासवर्ड मांगेगा ही मांगेगा, तो इसके लिए कोई डरने की बात नहीं होती है। अब देखिए, मान के चलिए वो इंसान आपका एटीएम मिल गया, उसको एटीएम में जाके कहता है कि भैया वो पिन को सोचता है चेंज कर दे, मतलब फॉरगेट पिन करके वो चेंज करना चाहेगा, तो फिर उसके लिए भी रास्ता है कि जो आप अपने बैंक में मोबाइल नंबर दिए होंगे उसी मोबाइल पर 1 टाइम पासवर्ड यानी ओटीपी आएगा, वो 10 मिनट में एक्सपायर हो जाता है, ओटीपी सिंगल टाइम के लिए होता है। तो इसमें काफ़ी सिक्योरिटी होती है, विदाउट आपके परमिशन इसे नहीं ले सकता है। लेकिन क्रेडिट कार्ड में सिक्योरिटी थोड़ी सी मतलब कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। अब हम क्रेडिट कार्ड को समझते हैं। क्रेडिट कार्ड क्या चीज़ है? पहले के ज़माने में हमें लोन लेने के लिए अपने रिश्तेदार या फिर ऊंचे दाम पर जो ब्याज पे देते हैं लोग, महीने का 5% 10% वहाँ से लेना होता है, जबकि बैंक काफ़ी सस्ता लोन देती है। अब अपने गांव में लीजिएगा 5% वो हर महीने ले लेगा, साल भर में सुधा 12-25 60% ले लेगा, और जैसे बैंक में जाइएगा तो 10-12% वो साल भर का लेती है। तो बैंक का लोन काफ़ी सस्ता होता है, लेकिन लेने में बहुत झमेला होता है, 15-20 दिन लग जाएगा। अब आपको 50,000 रुपये की ज़रूरत है, एक हफ्ते में आपको ज़रूरत है, तो आपको एक हफ्ते बैंक में मैनेजर का चक्कर काटने में लग जाएगा, फिर वो कहेगा मॉर्गेज दो, इसके बदले में कुछ सिक्योरिटी रखो, गहना रखो, या फिर मान के चले जमीन, गाड़ी, या सब बड़ी सब तामझाम होता है, 15-20 दिन लगा देता है, और उसके बाद से घूस घास लेना पड़ता है। तो इसी सब को सुलझाने के लिए एक ऐसा फास्ट फॉर्मूला निकाला गया कि हचाक से आपको क्या मिल जाए, लोन मिल जाए, कर्जा। तो हचाक से लोन देने वाले कार्ड को कहते हैं क्रेडिट कार्ड। इसमें आपका पैसा नहीं है, याद रखिएगा, ये पैसा लौटाना पड़ेगा। तो जो बैंक से जाके मांगते थे ना,
अब वो आपको क्रेडिट कार्ड में मिल जाएगा। तो ये क्रेडिट कार्ड सबको नहीं मिलता है, जिस ग्राहकों पर बैंक को बिलीव होता है कि ये मेरा पैसा लौटा देगा तो उसको वो क्रेडिट कार्ड देती है। अब उस क्रेडिट कार्ड से वो जब चाहे रात दिन 24 घंटा जब चाहे वो लोन निकाल सकता है वहाँ पर। लेकिन इसमें भी लोन की लिमिट होती है, शुरुआत में कम लिमिट दिया जाता है 25,000 का, धीरे धीरे उसको 50,000, 1,00,000, 2,00,000 ऐसे करते करते 3,00,000 तक के आपको लिमिट को क्रेडिट कार्ड में दे दिया जाता है। तो आप बिना बैंक में गए, बिना अपने रिश्तेदार से मांगे, बिना किसी को ब्याज दिए हुए आप घचाक से पैसा निकाल सकते हैं क्रेडिट कार्ड की मदद से। और 30 से 40 दिन तक आपको इस पर एक भी रुपये ब्याज नहीं देने पड़ते हैं। अब ये डिपेंड करता है अलग अलग बैंकों के रूल पर कि वो 30 दिन दे रही है 40 दिन, पैसे के अमाउंट पर भी डिपेंड करता है ज्यादा पैसा है या कम पैसा है, बट ओवरऑल 30 से 40 दिन रहता है। कितना अच्छा है, मान के चलिए हमें 50,000 की इमरजेंसी में जरूरत पड़ी, बैंक से लोन लेने जाएंगे इस ब्याज लेगा हमको, अपने रिश्तेदार से मांगेंगे तो एहसान थोप देगा हमको, साहूकार से मांगेंगे तो 5% का ब्याज मांग देगा। उससे अच्छा अगर मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, धड़ाक से निकाल, मान के चलिए किसी को हॉस्पिटल में दिखाना था, 50,000 की जरूरत थी हमको इमरजेंसी इलाज के लिए, डॉक्टर साहब को उसी क्रेडिट कार्ड से बिल पेमेंट कर देंगे, 40 दिन बाद हम बैंक को दे देंगे, बैंक भी हमसे ब्याज नहीं लेगी। तो ये काफ़ी अच्छा होता है क्रेडिट कार्ड। अब क्रेडिट कार्ड की भी कुछ अच्छाई है और कुछ खराबी होती है, ये आपको जानबूझ के दिया जाता है आपकी आदत बिगाड़ने के लिए। अब इसकी कुछ अच्छाइयाँ समझते हैं। देखिए क्रेडिट कार्ड में हमें कैशबैक अक्सर मिल जाते हैं ऑफर, कि आप 100 रुपये का सामान खरीदिए 10 रुपये कैशबैक मिल जाएंगे। तो डेबिट कार्ड की तुलना में क्रेडिट कार्ड पर ज़्यादा ऑफर मिलते हैं, इसके साथ ही इस पर कुछ रिवार्ड्स पॉइंट्स मिलते हैं। और अक्सर ऐसे ऑफर आता है कि अगर आपको क्रेडिट कार्ड के 100 पॉइंट्स हैं तो आप ये सामान खरीद के ले जा सकते हैं, तो पैसे नहीं उसे पॉइंट्स चाहिए। अब ये पॉइंट कैसे आते हैं, तो पॉइंट्स को अर्न किया जाता है। जैसे आप जब भी क्रेडिट कार्ड से कुछ शॉपिंग कीजिएगा तो आपको 2-4 पॉइंट्स मिल जाएंगे, कभी जहाज का टिकट बुक करिएगा 10 पॉइंट मिल जाएंगे। तो ऐसे ऐसे पॉइंट कलेक्ट करके अगर आपके पास 100 पॉइंट हो गए तो आपको तो उस 100 पॉइंट खरीदने के लिए पैसे नहीं ना देने पड़े, आप किसी और चीज़ को खरीदे थे वो आपको ये ऑफर दिया था। अब जब ये कलेक्ट हो गया तो इसका यूज करके आप कोई और चीज़ भी ले सकते हैं। इसके साथ आपको कभी कुछ बोनस कूपन मिल जाता है, साथ ही कभी फ्लाइट टिकट या फिर कोई भी बुकिंग कीजिएगा क्रेडिट कार्ड से तो ज़्यादा सस्ता होता है, डेबिट कार्ड से थोड़ा महंगा होता है। और फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर भी देखिए कभी ऑफर आता है कि क्रेडिट कार्ड पर लीजिएगा तो 5,000 और छूट मिल जाएगा, डेबिट कार्ड पर छूट नहीं मिलता है। साथ ही कुछ ऐसे भी चीज़ें होती हैं जो जिसका पेमेंट केवल आप क्रेडिट कार्ड से ही कर सकते हैं, वो डेबिट कार्ड से पैसे ही नहीं लेते हैं। हालांकि ऐसी चीज़ें काफ़ी कम होती हैं लेकिन वहाँ रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, तो यहाँ तो क्रेडिट कार्ड का फायदा है। लेकिन मेन काम क्या होता है, क्रेडिट कार्ड आपको बिगाड़ने के लिए दिया गया रहता है। बैंक चाहती, बैंक को इनकम आपके से होता है, आप जितना लोन लीजिएगा ब्याज दीजिएगा बैंक को पैसा हो जाएगा, वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू आपको कैसे करती है। देखिए इसके कुछ घाटा समझिए, आपको क्रेडिट कार्ड में पैसा आपका नहीं है इसलिए गलती से भी इससे आप कैश मत निकालिएगा, क्योंकि कैश निकालने पर पेनाल्टी फीस काफी ज्यादा लगती है। हाँ इससे आप शॉपिंग कीजिए, बिलिंग कीजिए, कैश निकालने से बेटर है उसी इंसान से पूछिए कि भैया तुमको कितना चाहिए, 2,000 लाओ हम क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर देते हैं, कैश निकाल के 2,000 मत दीजिए वरना कैश विड्रॉल पेनाल्टी चार्ज लगता है। पहला। दूसरी खराबी, अगर आपने इससे 30 या 40 दिन वाला लिमिट क्रॉस कर दिया तो क्रॉस करने के बाद बड़ा हैवी इंटरेस्ट जोड़ता है सब इस पे। तीसरा खराबी, ये सिक्योर उतना नहीं होता है। जैसे आप मान लीजिए शॉपिंग करने गए, 20,000 का सामान खरीदे तो आपको वो बिलिंग दिखा देगा 20,000 का, तो आप देख लीजिए हाँ 20,000 है ना, अब इसमें आप स्वाइप कीजिए कार्ड को, और स्वाइप करने के बाद वो पैसा नहीं कटेगा, आपको इसमें पिन डालना पड़ेगा, पिन डाल के आप कार्ड निकाल लीजिए, आपका 20,000 कट गया। लेकिन पिन डालने की जरूरत केवल डेबिट कार्ड में है, क्रेडिट कार्ड में पिन की भी जरूरत नहीं पड़ता है, खाली घचाक से सरकाइए वो बिल काट लेता है। तो अगर आपका क्रेडिट कार्ड गिर गया कहीं तो कोई भी पाएगा तो सीधे जाएगा कुछ शॉपिंग करके खचाक खचाक निकाल लेगा। तो आपका अगर क्रेडिट कार्ड गायब हो जाता है तो इसको बहुत कंसर्न की बात है, इसलिए क्रेडिट कार्ड को तुरंत बंद करना चाहिए। डेबिट कार्ड गायब भी हो गया तो पिन नहीं पता है तो वो किसी काम का नहीं है, इसलिए आप देखिएगा डेबिट कार्ड की तुलना में क्रेडिट कार्ड को बंद करना या ब्लॉक करना काफ़ी आसान होता है। इसके साथ ही आपके खर्च को बढ़ा देता है। जैसे मेरे डेबिट कार्ड में अगर 10,000 रुपये है तो हम चाह के भी 11,000 का सामान नहीं खरीद पाएंगे, शॉपिंग करने गए तो मन मार लेंगे यार 10,000 रुपये है, चलो 9,000 का खरीदते हैं, 1,000 इमरजेंसी के लिए रखते हैं। लेकिन अगर क्रेडिट कार्ड रहेगा तो कहेगा इस ससुरा हमारा तो लिमिट है, मैं 50,000 60,000 1,00,000 तक का तो बैंक के दे देगा, तो जहां 10,000 का खरीदना चाहिए वहां अक्सर आदमी 12,000 का खरीद लेता है। तो क्रेडिट कार्ड वालों को देखिएगा, इसका प्रचलन छोटे मिडिल शहर या गांव में नहीं है, लेकिन दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में देखिएगा क्रेडिट कार्ड वाले हमेशा, उनकी महीने की तारीख सैलरी मिलेगी 1 तारीख को, वो 10 तारीख तक सैलरी खत्म कर देंगे, उसके बाद वो क्रेडिट कार्ड पे घूमने लगेंगे।
खर्चा करते हैं, तो इसे आपके खर्च को बढ़ा देता है। और आजकल का मॉडर्न कल्चर में ना लड़का लड़की के मैटर का फायदा बैंक भी उठा रहा है। नया नया जिसका जॉब हो रहा है या नए यंगस्टर को क्रेडिट कार्ड दे दो, अब वो क्रेडिट कार्ड में जाएगा उसको गिफ्ट देगा। अब गिफ्ट पहले क्या था, पापा पैसा नहीं भेजे हैं, बैंक में नहीं है, क्या करें। अभी देखता है ससुरा बर्थडे आ गया है, क्रेडिट कार्ड है ये है, घचाक से लगाओ 40 दिन बाद पापा अगले महीना का पैसा भेजेंगे, उसी में एडजस्ट कर देंगे, ले जाओ उसको गिफ्ट दे दो, उसको पार्टी साटी दे दो। ये खर्च बढ़ा देता है। मान के चलिए आप ले गए, उसको सोचे कि 500 रुपया का गिफ्ट दे देंगे, पता चला उस ससुरी ठोड़ रंग के चला एकदम लाल भभकौगा ठोड़, आप तो कहें कि वाह अब इसको हम 3000 का गिफ्ट दे देंगे लो। अब उस जानबूझ के ठोड़ रंगी है, उसको क्या जा रहा है यहाँ पे ठोड़ रंग ली हो। अब बताइए अगर आपके पास डेबिट कार्ड रहेगा और डेबिट कार्ड में मान के चलिए आपका 500 रुपये है, तो आप इसको 3000 का गिफ्ट कैसे दीजिएगा। तो पापा को फोन कीजिएगा, बैंक में पैसा लगा दीजिए, तो पापा 3 दिन बाद लगाएंगे, तब लेकर ठोड़ पे का थोड़ा रंगना चू जाएगा यहाँ पर, समझा गया कि नहीं। इसमें काम आएगा क्रेडिट कार्ड, देखेंगे ओ ससुरा थोड़ा रंग ले है, धड़ाक से क्रेडिट कार्ड से लाओ तुमको हम शॉपिंग करके देते हैं 3000 रुपया का। तो जो 500 रुपया था 3000, इसको क्या गया 200 रुपया का थोड़ा रंग ली। और थोड़वा रंग ले के बाद है क्या आएगा, दुकुंची बॉर्डर बना देती है सब करिया रंग से, ताकि और भब के ऐसे ऐसे पोता गया इसका, ऐसे समझा गया कि नहीं। तो क्रेडिट कार्ड में खतरा हो जाता है। अब देखिए आपने इसको अगर एक बार गिफ्ट दे दिया 3000 का, तो अगली बार अगर आप इसको 500 का गिफ्ट देंगे तो कहेगी आजकल खर्चा कम हो रहा है, दूसरे जगह चक्कर है का ससुरी, तो नहीं RBI का मशीन धैले है का, वो कह देंगे आप। इसीलिए इस सब चक्कर में मत पड़िए, वरना क्रेडिट कार्ड के चक्कर में बहुत ज्यादा कर्जा हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। अच्छे से रहिए, डेबिट कार्ड में जितना पैसा है उतने खर्चा कीजिए, होशियार बनिए, क्रेडिट कार्ड में गिफ्ट देने की जरूरत नहीं है। देखिए ये कितना होशियार है, डेबिट कार्ड पे चल रहा है, इसको ले आया है पार्टी में सतुआ पिया रहा है, अपनों सतुआ रखा है, यो सतुआ रखा है, 10-10 रुपये में सतुआ घोर के पी रहा है, बिहार टॉनिक यही सही है, सतुए है ना, अरे वही होगा यहाँ पे। देखो भाई कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप कितना भी गिफ्ट दे दो, सारे स्टूडेंट से कहते हैं आप चाहे कितना भी शॉपिंग करा दो, महंगे से महंगा गिफ्ट दे दो, आप टेडी बियर दे दो, जितना मर्जी महंगा से महंगा टेडी बियर दो, वो इससे नहीं खेलेगी। जब भी खेलेगी तो वो आपके करियर के साथ खेलेगी और जिंदगी बर्बाद करेगी। उसलिए बेटर है कि अपने लाइफ पर ध्यान दीजिए, अपना करियर बनाइए, इस सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे। आजकल तो ससुराल फैशन हो गया है, टेडी बियर का फैशन, डेरी मिल्क का फैशन, ज़्यादातर जिसके पास टेडी बियर रहता है ना, देखिएगा वो टेडी बियर ज़्यादा चांसेज है कि वो खुद नहीं खरीदा होगा, ओकरा कोनो और गिफ्ट दिया होगा। तो जितना सबके पास टेडी बियर रहता है, देखिएगा कोनो ना कोनो को गिफ्ट देले है, और लड़का भी कम नहीं है। अगर कोई लड़का डेरी मिल्क खरीद रहा है ना, तो ज्यादा चांसेज है कि वो खुद नहीं खाएगा, वो दूसरे को दे जाएगा। और लड़कवा कम होशियार है, लड़की को लगता है कि डेरी मिल्क दे रहा है, अरे वो चट्टा बहुत होशियार है, उसको पता नहीं है कि अभी फंसेगी कि नहीं, इसलिए वो इन्वेस्टमेंट कम करना चाहता है, सोचता है कि 10 रुपया में पहले इन्वेस्टमेंट करके देखते हैं कि शेयर हमारी ओर आएगा कि नहीं। जब देखेगा ओहो ठीक ठाक आ रहा है, तो 10 रुपया की जगह 40 वाला डेरी मिल्क धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करता है। खैर हम लोग टॉपिक पे आते हैं अपने, तो ये आप क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में अंतर समझ में आ गया, दोनों में से कौन सेफ है, ज्यादा सेफ डेबिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड सबको नहीं मिलता आपके पास, ज्यादातर लड़कों में डेबिट कार्ड ही होता है, क्रेडिट कार्ड जिन पर बैंक को बिलीव होता है वही देता है। ये क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड इन दोनों को हम लोग कहते हैं प्लास्टिक मनी कहा जाता है। अब इन क्रेडिट कार्ड हो या डेबिट कार्ड हो, यानी ATM पर आप इसके बैंक का अपना नाम तो देखे होंगे, जैसे यहाँ यूनियन बैंक है, अलग अलग बैंकों के, जैसे यहाँ SBI बैंक है, तो बैंक के नाम तो देखे होंगे, साथ ही साथ आप यहाँ पे देखे होंगे रुपए लिखा होगा, वीजा लिखा होता है, या फिर मास्टर कार्ड लिखा होता है, यही तीन आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जैसे 50% मार्केट कैप्चर किया हुआ है वीजा, 30% करके रखा है मास्टर कार्ड, और 20% करके रखा है आपका ये रुपे कार्ड। हालांकि रुपे अब देखिएगा तो रुपे का भी प्रचलन बढ़ गया, लेकिन ये बहुत ज़्यादा जबरदस्त यूज में होते हैं। आखिर ये क्या चीज़ है सब, तो समझिए क्या चीज़। शुरुआत में जब बैंक ATM कार्ड को इंट्रोड्यूस किया गया था, तो जिस बैंक का ATM है, जैसे ICICI का ATM है, तो आप ICICI के ही ATM मशीन से आप पैसा निकाल सकते थे पहले। अब ना ऐसा हो गया कि किसी भी बैंक का ATM है, किसी भी बैंक के ATM में घुसाड़ दो, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले जिस बैंक का ATM है उसी बैंक में वो काम करता था, लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ा, लोगों को बैंक से जोड़ा गया, जनधन योजना में तो पूरा लोगों को बैंक से जोड़ने की बहुत अच्छी कोशिश थी, तो जब बैंक में बहुत भीड़ बढ़ने लगा, तो पता चला किसी को इमरजेंसी में जरूरत है, उसके पास SBI के ATM देख रहा है, सबसे HDFC में तो निकलवे नहीं करेगा। तो ऐसा पहले सिस्टम था, मतलब एकदम शुरुआती दौर में जब ATM की नई नई खोज थी। तो ऐसा होता क्यों था, देखिए ध्यान से। मान के चलिए कि किसी का SBI में खाता है, मान के मेरा SBI में खाता है सपोज, और हम चले गए ATM पैसा निकालने पंजाब बैंक से,
तो उसमें एटीएम कार्ड घुसाएंगे तो उसको क्या पता कि हम कौन है। हमने खाता एसबीआई में खुलवाया है तो मेरा नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, मेरे अकाउंट में कितना पैसा है, ओटीपी वगैरह सब एसबीआई को पता है। कार्ड एसबीआई ने दिया, हम उसको कोंच देंगे, उसको पता नहीं, मशीन कहेगा कौन हो भाई, हम नहीं पहचानते हैं तुमको, पता ही नहीं चलता था। क्यों? क्योंकि ये, अब ये बैंक वाले एक ही रास्ता है कि ये डाटा अपना सारा सामान पीएनबी को बताए, अलग अलग बैंकों को दे, मतलब सारे बैंक अपने ग्राहकों के बारे में जानकारी सबको बता दे यहाँ पर, इससे तभी तो पैसे निकल सकता था वहां पर। इससे घाटा क्या होता था कि हर बैंक दूसरे बैंक के कस्टमर को चाहेगा फोड़ ले, क्योंकि अगर उसको डाटा पता चल जाएगा, अब मान के चलिए आईसीआईसीआई को पता चला गया एसबीआई में 100 सबसे अमीर आदमी, पता चल जाएगा किसका पैसा, तो उसको फोन करेगा, सर हम आपको ज्यादा सुविधा देंगे, है कि नहीं, तो उसको डिस्टर्ब करने लगे, नहीं देखते फोन करके कहेंगे, सर नमस्कार मैं जहरीली बोल रही हूँ आईसीआईसीआई बैंक से, क्या मैं आपको काट लूँ, तो आप कहेंगे नहीं मत काटिए। सोचो दिन भर फोन करके परेशान करते रहता है सर। तो बैंक अपना डाटा दूसरे को नहीं देना चाहता है, अब जब देंगे नहीं तो पैसा निकाले देगा कैसे। तो इसी में काम आता है कार्ड नेटवर्क। कार्ड नेटवर्क क्या है समझिए ध्यान से, अलग अलग बैंक है, मान के चलिए यहाँ पीएनबी है, यहाँ एसबीआई है, आईसीआईसीआई है, तो जितने भी बैंक है इन, ये आपको एटीएम देते हैं, तो उस बैंक को कहते हैं कार्ड इशूअर। अब इसमें कार्ड इशूअर में क्या होते हैं, बैंक होते हैं। तो हर बैंक में, जैसे मेरा खाता मान के चलिए आप एसबीआई में है, तो मेरी जानकारी एसबीआई के पास है, तो एसबीआई क्या करेगा, कार्ड नेटवर्क को मेरी सारी जानकारी दे देगा, जो मेरे कार्ड पर नेटवर्क लिखा होगा, जैसे वीजा लिखा होगा या मास्टर कार्ड या रुपए, तो मेरी जानकारी दो लोगों के पास चली गई, पहला चला गया मेरे बैंक जिसमें मेरा खाता है, दूसरा ये जानकारी इनके पास चली गई। अब इनका नियम होता है कि ये जानकारी किसी से साझा कर ही नहीं सकते। अब क्या होगा कि मान के चलिए मेरा एसबीआई में पैसा था, हम चले गए आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में से पैसा निकालने के लिए, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को मेरे बारे में पता ही नहीं है, और वो डायरेक्ट एसबीआई से पूछ नहीं सकता है, और पूछेगा भी तो एसबीआई इनको बताएगा नहीं, कहेगा मना कर देगा, तुम भड़का लेगा मेरा कस्टमर। तो एसबीआई अपनी जानकारी किसको दे रखा है, कार्ड नेटवर्क को। मान के चलिए कि मेरे पास वीजा कार्ड था, तो मेरी जानकारी वीजा के पास भी थी, तो सेंट्रल बैंक का एटीएम मेरे एसबीआई से मेरी जानकारी नहीं मांगेगा, मेरे नेटवर्क से वीजा से मांगेगा, और वीजा उसको प्रोवाइड करा देगा कि हाँ भैया आदमी ठीक ठाक है, पैसा इनके पास है, आप इनका पैसा निकाल के दे दीजिए। तो अब आप समझ गए कि किसी भी बैंक से एटीएम दूसरे से निकल सकता है, किसके माध्यम से, कार्ड नेटवर्क के माध्यम से, डाटा इन्हीं के पास रहता है, और यही आपको ओटीपी सेंड करते हैं, कार्ड बना के भेजते हैं, अलग अलग सुविधाएं देते हैं, आपका नंबर ब्लॉक करते हैं, ये सब करते हैं, इसके बदले में यही चार्ज लेते हैं। लेकिन ये बताते नहीं है कि हम 500-600 रुपया सालाना आपसे चार्ज जो ले रहे हैं, हम ले रहे हैं। ये क्या करते हैं, कार्ड इशूअर बैंक को कहते हैं कि देख भैया तोरा ग्राहक है, कार्ड यूज कर रहा है, हर साल 500 रुपया काट लेना, हमको पहुंचा देना। अब आप सोचेंगे 500 रुपये में इतना सुविधा, सोचो भैया हर घर, एक घर में एक दो गो एटीएम है, तो उतना करोड़ों रुपया ये तो कमा रहे हैं ना, पूरी दुनिया से कमा रहे हैं ये लोग। तो इस तरह से ये काम होता है। अब जैसे मान के चलिए हम पैसा निकालने गए एसबीआई से, कहाँ पे, पीएनबी में, तो पंजाब नेशनल बैंक जो है, हम जैसे इसमें अपना कार्ड लगाएंगे तो ये जानकारी किससे मांगेगा, उसको पता है कि एसबीआई का ये एटीएम है, हमने जो इसमें लगाया है कार्ड वो एसबीआई का, लेकिन ये एसबीआई से मांगेगा ही नहीं, किसको, इसको पता है कि वो एसबीआई नहीं देगा, तो ये किससे मांगेगा, कार्ड नेटवर्क से। अब कार्ड नेटवर्क मेरा मास्टर कार्ड भी हो सकता है, या कार्ड नेटवर्क मेरा वीजा भी हो सकता है। अब ये वीजा से कहेगा कि पता करो तो किस अकाउंट में, तो कहा हाँ हाँ हमको पता है एसबीआई में इनका अकाउंट नंबर है, फला फला फला, तुम सेव नहीं करना, एटीएम कार्ड, एटीएम मशीन किसी के डाटा को सेव नहीं कर सकती है, तो ये इसको बताएगा, पैसा निकल जाएगा यहाँ पर, समझा क्या कि नहीं। अब बात आती है कि इन तीनों में बेस्ट कौन है, रुपे, वीजा या मास्टर कार्ड, इनमें से बेस्ट कौन है। तो देखिए ये यूएस की कंपनी है, भारत में ये 50% मार्केट कैप्चर की हुई है, ये भी यूएस की कंपनी है, भारत में ये लगभग 30% मार्केट कैप्चर की है। इसका कहना है कि भैया हम आपका पैसा जो है ये नेशनल भी दे सकते हैं और इंटरनेशनल भी दे सकते हैं, मतलब आप विदेश में से भी पैसा निकालना चाहिएगा तो हम दे सकते हैं, समझ आ गया कि नहीं। अब जबकि भारत ने अपना रुपे कार्ड बनाया, ये शुरुआत में केवल इंडिया में चल रहा था, लेकिन रुपे कार्ड में भी एक प्लेटिनम कार्ड होता है रुपे का ही, वो इंटरनेशनल भी चलता है, तो अब ये तीनों इंटरनेशनल करते हैं, लेकिन वीजा ले लेंगे तो ये इंटरनेशनल चलाएगा ही चलाएगा, मास्टर कार्ड लेंगे तो इंटरनेशनल चलाएगा ही चलाएगा, लेकिन रुपे लीजिएगा तो आपको स्पेशल कहना पड़ेगा कि हमको इंटरनेशनल भी काम है, हमको रुपे का प्लेटिनम दे दीजिए। अब लोगों के माइंड में, भारत के लोग में ना शो ऑफ करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। देखिएगा कोई कार खरीदेगा ना तो कहीं जाएगा बैठने के लिए तो कार का चाबी टेबल पर रख देगा, वो ये नहीं बताएगा कि हम कार से ही ले हैं, चाबियां दिखाएगा बड़ा कार कि हमारे लगे कार है लोग, समझ में आ गया कि नहीं आ गया।
बस यही हो जाता है। अरे भैया किसी के अकाउंट में 25,000 रुपया है और कहता है हमको वीजा कार्ड चाहिए, रुपये नहीं, 25,000 रुपया लेके तू लंदन ना जी तो घूमे ससुर तुरा यहाँ पे का काम है उसको। हिंदुस्तान में जितना वीजा कार्ड यूज होता है उसका 90% लोग विदेश कभी नहीं जाते हैं, लेकिन ना उनको वीजा चाहिए यहाँ पर। अरे भाई वीजा आप लीजिएगा तो हर महीने हर साल 500 रुपया लेगा और लेके जाएगा अमरीका, लेके रखिए ना रुपये कार्ड, और आपको बहुत शौक है तो रुपये आप ले लीजिए, कहिए हमको प्लेटिनम दीजिए, हमारा डेली जाना रहता है न्यूयॉर्क बैंकॉक सिंगापुर घूमते रहिए यहाँ पर। तो भाई स्वदेशी बनिए, हाथ जोड़ते हैं, हमारा देश है, हम ही लोग इसे आगे बढ़ा सकते हैं। हम लोग अपने चाइना वाले कभी यूज नहीं करते हैं ये सब का, उनका अपना पेमेंट गेटवे वो लोग यूज करते हैं। तो आप लोग भी भैया रुपए यूज कीजिए, दिखावे में मत रहिए, दिखावे से कुछ नहीं होता। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, के खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। तो अपने आप को सो आप मत कीजिए, सिंहासन पर बैठने की कोशिश नहीं कीजिए, खुद राजा बनिए, जहां बैठेंगे वहीं सिंहासन आ जाएगा। लोग वीजा चाहिए यहाँ पर। तो इन तीनों में अंतर समझ में आ गया। अब समझिए ये विदेशी कंपनी थे सब। अब इन विदेशी कंपनियों में एक खराबी क्या थी कि ये आपका डाटा तो ले लेते थे, चाहे वो वीजा हो या मास्टर कार्ड हो या फिर कोई भी, आपका डाटा ले लेते थे। अब ये डाटा सेव कैसे करेंगे, जैसे हम लोग को कोई जानकारी सेव करना है, मेरा नाम मोबाइल नंबर सेव करना है तो आप अपने मोबाइल में सेव कर लेते हैं, मेरा फोटो सेव करना है तो खींच के गैलरी में सेव कर लेते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा चीज सेव करना है तो आप पेन ड्राइव में करते हैं, उससे भी बड़ा हो गया तो हार्ड ड्राइव में सेव करते हैं, और बहुत ज्यादा पूरी दुनिया का डाटा रखना है तो ऐसा ऐसा बहुत ज्यादा हार्ड ड्राइव को सेव करने के लिए डाटा हाउस बनाना पड़ता है, बहुत बड़ा, पूरी बिल्डिंग होती है ससुरा इतना बड़ा बड़ा, जिसमें ये हार्ड ड्राइव होता है, इसी में सबका डाटा होता है। अब मास्टर कार्ड क्या था, उसका ये डाटा वाला जो सेंटर था इस ससुरा इंडिया में था ही नहीं। अब भारत सरकार ने 6 अप्रैल 2019 को ही कह दिया था कि अब हम उसी कार्ड नेटवर्क, चाहे वो वीजा हो, रुपए हो, रुपए तो इंडिया का ही है, या मास्टर कार्ड ही हो, या कोई भी कार्ड हो, उसे भारत का डाटा भारत में ही रखना होगा, उसे डाटा सेंटर भारत बनाना होगा, विदेश नहीं ले जा सकते उस डाटा को। आप कहेंगे चला भी गया तो क्या होगा, हो जाएगा भाई। अब अगर डाटा वो अमेरिका में लेके चला गया तो अमेरिका की कंपनी को पता है कि फलनिया के अकाउंट में 2 लाख है और किसी के अकाउंट में 2 करोड़ है, वो कंपनी क्या करेगी, अमेरिका को बेच देगी। तो अमेरिका के प्रचार वाले क्या करेंगे, उस व्यक्ति को गूगल या व्हाट्सएप या फेसबुक या यूट्यूब के थ्रू 2 लाख वाले को कम सस्ता कार का प्रचार दिखाएंगे, हाई कार ले लीजिए, हाउ कार ले लीजिए, उसको पता है कि सस्ता वाला आदमी, और जिसके पास 2 करोड़ है उसको दिखाएगा ये ले लीजिए, ऑडी लीजिए, बीएमडब्ल्यू लीजिए, मर्सिडीज लीजिए। तो इससे फायदा उसको हो जाएगा, सारा खेल डाटा का चल रहा है। आप गूगल पे एक बार सर्च कर लीजिएगा ना कि हमको लकड़ी का अलमारी, आप देखिएगा 3-4 दिन तक आपको लकड़ी की अलमारी का प्रचार कबो कबो बीच बीच में से चलाता है, किस चीज का खेल हो रहा है, डाटा का। तो सरकार ने कहा कि हमारे डाटा का यूज हमारे यहाँ करना चाहिए ताकि हमारी कंपनियां अपना कस्टमर को चुन सके। अब पता चला कि आप कोनो आदमी को 20,000 रुपया है, उसको कहिए कि देखो लंबोर्गिनी ऐसा है, क्या करेगा लंबोर्गिनी लेके। तो भारत सरकार ने कहा 6 महीने में आपको डाटा लोकलाइजेशन इंडिया में करना होगा, लेकिन ससुरा कोरोना कूद गया, फर्स्ट वेव सेकेंड वेव सब के बाद सरकार ने कहा कि 22 जुलाई 2021 आज के दिन तक हो जाना चाहिए, इस डेट तक में भी मास्टर कार्ड ने नहीं किया तो आरबीआई ने कह दिया कि मास्टर कार्ड अब नए कार्ड को इशू नहीं कर सकता है, जितना इशू कर लिया है उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। मास्टर कार्ड ने भी कहा कि ठीक है भैया हम कर लेंगे, तब तक तो आरबीआई ने कहा कि ठीक है जैया कर लेना, भारत में ऐसा डाटा बिल्डिंग बना लेना, खूब ज़्यादा हार्ड ड्राइव खरीदना, सबको आपस में लिंक करके उसमें खूब अच्छा एसी चला के रख देना, तो हम तुम्हें परमिशन दे देंगे। समझ में आ गया, तो आप ये कार्ड वगैरह समझ गए। इसके अलावा भी आप देखेंगे तो बैंकिंग में काफ़ी टर्म्स होते हैं, जैसे चेक भरने का तरीके में कैसे चेक होते हैं, बैरियर चेक, क्रॉस चेक, अकाउंट पे चेक, ऑर्डर चेक, ये इकोनॉमिक्स के सवाल में सीजीएल या एसएससी में एक क्वेश्चन इससे पूछ देता है। साथ ही पैसे ट्रांसफर में देखेंगे आजकल यूपीआई बहुत चल रहा है, बैंक में जाएंगे पूछेगा एनईएफटी करना है, आरटीजीएस करना है कि आईएमपीएस करना है, इसमें क्या अंतर होता है। बैंक अकाउंट में भी टाइप देखिएगा तो सेविंग हो सकता है, करेंट हो सकता है, रिकरिंग अकाउंट जिसे आरडी कहते हैं, फिक्स डिपॉजिट जिसे एफडी कहते हैं, डीमैट अकाउंट जिसमें शेयर मार्केट खुलता है, एनआरआई जो बाहर में काम करते हैं उनके लिए अकाउंट, तो अलग अलग अकाउंट में क्या डिफरेंस होते हैं। साथ ही आप देखेंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे बुढ़ापा में मान के चलिए पतो भगा दी तो कहाँ से खाइएगा, या इस सब चीज के लिए एक होता है प्रोविडेंट फंड, भविष्य के लिए रखा हुआ पैसा, तो प्रोविडेंट फंड के बारे में भी क्वेश्चन पूछता है। अब इतना बड़ा वर्ड तो बोलिएगा नहीं, प्रोविडेंट फंड बुढ़ौती में पतो भगा देगी तो हम इसी से खा के जिएंगे, तो ऐसा नहीं ना बोलेंगे। तो प्रोविडेंट फंड को शॉर्टकट में क्या कहते हैं, पीएफ कहते हैं। अब इस ससुरा पीएफ जो होता है प्रोविडेंट फंड कई टाइप का होता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ईपीएफ कहते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड ईपीएफ कहते हैं, हालांकि आपको यही दो ठो मिला होगा, पीपीएफ और ईपीएफ सुने होंगे, इसमें काफी विवाद भी हुआ था कुछ दिन पहले, हालांकि दो ठो और होता है जीपीएफ
ETF और VPF, इस सब के बारे में भी आपको समझा देंगे कभी। फिर आप अगर ये PF समझेंगे तो फिर आपको स्टॉक समझना पड़ेगा, म्यूचुअल फंड समझना पड़ेगा, इस सबको किसी ऑन वीडियो में समझा देंगे। आज आपको प्लास्टिक मनी यानी ATM, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इस सब के बारे में समझ में आ गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।